बिजनौर में हिंसा फैलाने वाले एक इनामी आरोपी को पुलिस ने 2 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि साल 2019 में जनपद में हुई हिंसा और तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने 3 आरोपी जावेद, फुरकान और आदिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बिजनौर पुलिस अध्यक्ष ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया था जबकि 1 आरोपी फरार चल रहा था, जिसे एसटीएफ बरेली और बिजनौर पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। बिजनौर जनपद से 25,000 रुपए का साफिर कुख्यात विध्वंसक अपराधी आदिल चिहिया, बरेली की एसटीएफ टीम और स्थानीय पुलिस बल ने उसे गिरफ्तार किया गया है। यह अभी 2019 से CA NRC मामले में वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 307 बलवा सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आदि अनेक संगीन एवं गंभीर धाराओं का अभियोग पंजीकृत था। कुल 7 मुकदमे पंजीकृत थे। 1.5 साल से वांछित चल रहा था। 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसे गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में भेजा जा रहा है।